नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश। कोरोना लॉक बाकी सब अनलॉक। जी हां, कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए अब व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अब हफ्ते में 6 दिन अनलॉक रहेगा, लेकिन रात 8 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी भी मॉल, जिम और स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। तो कुल जमा अनलॉक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है और आज से खासतौर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी व्यापारिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की शर्त के साथ बाजारों में। लेकिन इसके बाद भी कई स्थानों से तस्वीरें हमारे सामने आई जहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। लेकिन अपील यही कही गई है, सरकार द्वारा, सरकार के नुमाइंदों द्वारा, कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करके ही घर से बाहर लोग निकलें और अनावश्यक भीड़ से बचें। धारा 100 अब अनलॉक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रखने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का लोगों को पालन करना होगा। और खासतौर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जो भोपाल के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे उनके मालिकों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वैक्सीन लगवाइए और दुकान खोलिए, यह नारा उन्होंने दिया है। और व्यापारियों के लिए खास तौर से वैक्सीनेशन के लिए विशेष शिविर और कैंप लगाने की भी बात की गई है, ताकि व्यापारी भी सुरक्षित रहें, वहां काम करने वाले भी सुरक्षित रहें और जो ग्राहक आते हैं उन्हें भी इस संक्रमण से बचाया जा सके। बाहर निकलने वालों से अपील की गई है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। सरकारी दफ्तर भी अब खुल गए हैं। शादी विवाह जैसे समारोहों में भी अब छूट दे दी गई है कि 50 लोग वहां जमा हो सकते हैं। किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए भी 20 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। धीरे धीरे लेकिन मध्य प्रदेश को पटरी पर लाने की यह कवायद देखी जा रही है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पहली लहर के बाद दूसरी लहर ने कहर बरपाया है हमारे देश में और हजारों की तादाद में पूरे देश में लोग कोरोना की वजह से काल के गाल में समा गए, गंभीर रूप से बीमार होने वालों की तादाद भी इस बार बहुत ज्यादा रही। देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर एसकेडी जैन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये भी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जैन साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह से एक लंबे समय के लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू की गई है। पहले धीरे धीरे बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई, एक कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को छूट दी गई, उसके बाद अब तो बाजार भोपाल में खासतौर से खोल दिए गए हैं, मॉल और स्विमिंग पूल और जिमखानों को छोड़ के। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का अब पालन कराने की बात तो जो है प्रशासन भी कह रहा है, शासन भी कह रहा है, अपील भी की जा रही है, लेकिन लोगों को भी अब इस बात को समझना होगा, क्योंकि जो सबक हमें मिला है दूसरी लहर में उसमें जरूरी है कि जो हम भी बहुत जागरूक होकर ही आगे बढ़े। और यदि हम बाजार जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो किस तरह से हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, अब ये एहतियातें बहुत जरूरी हो गई, क्या कहेंगे? बात बहुत अच्छा,
रबीजी लगाते हैं जी, तो जन जागरण जरूरी है और शासन को प्रशासन को चाहिए कि बुद्धिजीवियों को अपने साथ जोड़े, लेखक हैं, पत्रकार हैं जी, और जो कलाकार लोग हैं इन सबको, जिन जो पढ़े लिखे हैं तो देश में ज्यादातर जनता जो उतना अभी उस लेवल पे नहीं आई है बौद्धिक पे जी, तो उन सबको जोड़ के जन जागरण को बढ़ाना पड़ेगा और अभी जनता को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, एकदम बाजार की तरफ भीड़ की तरफ टूटना पड़ा और कहीं भी भीड़ ना बढ़ाए, अभी नहीं तो तीसरी लहर और अभी दूसरी लहर से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जी। लेकिन एक बात और भी है जल साहब कि ये लहर कोई अपने आप नहीं आएगी, हमारी लापरवाही और हमारी गलतियां ही इस लहर के आमद में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी, लिहाजा जो पहली और दूसरी लहर से हमें सबक मिला है वो बहुत जरूरी है। और आप देख रहे होंगे, आप भी खबरों में सुन रहे होंगे कि वैक्सीनेशन जो है इसका एक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और वैक्सीन लगवाने को लेकर भी अच्छी खासी जद्दोजहद शासन और प्रशासन को करना पड़ रही, सरकार को करना पड़ रही, लोग उतने जागरूक खासतौर से ग्रामीण अंचलों में नहीं है और वैक्सीन को लेकर एक अनजाना सा भय उनके मन में है, तो इसके लिए भी जरूरी है कि सरकारों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और आप जैसे बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे आए ताकि लोगों को उसके कोरोना के दुष्प्रभाव से आगाह किया जा सके और कोरोना की जो वैक्सीन आई है उनका जो है उनको कितना लाभ उससे मिलेगा और उसके फायदे कितने हैं ये बताना बहुत जरूरी, तो सबकी जवाबदारी बनती है। जैन साहब क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हमारा जो देश है जी कई सैकड़ों सालों से जो जाति संप्रदाय और इसमें बट के जो कमजोर हुआ है जी, पहली बात तो हमको पूरे भारत को एक करने के लिए भारतीयता की भावना लाए ना कि जाति संप्रदाय की, तो हमारी बहुत सारी जो शक्ति ऊर्जा समय जो आपसी लड़ाई और जो जातिवाद और उपजाति जाति के बाद उपजाति ये सब सरकारी रिकॉर्ड से हटा के पूरे समाज को एक करने का काम हमको करना चाहिए था 800 साल पहले, लेकिन वो काम नहीं हुआ, उस वजह से हम शक्ति हमारी और हमारा समय इन सब बातों में निकल गया। तो अब जो है बचपन से ही स्कूल में क्लास में महामारी क्या होती है, महामारी क्योंकि जब स्पेनिश फ्लू हुआ था 100 साल पहले उसकी जानकारी हमने बच्चों को नहीं दी, हमने अपने स्कूल के कोर्स में वो सब महामारी का पूरा पूरा पैटर्न हमको बच्चों को सिखाना चाहिए था, वो सब हमारा चला गया, हमारा बहुत सारा समय जो है। देखिए महामारी का ये दौर बहुत सारे ऐसे लोग हैं या देश की लगता है पूरी आबादी ने पहली बार इस जो है संक्रमण काल को क्या कहें फेस किया है, ऐसे में अब जो बीती बातें हो गई उनको याद करने से बेहतर है कि अभी जो मौजूदा हालात है उनसे निपटना जरूरी है। जैन साहब हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस मौजूदा हालात में वो 3 जो फार्मूला है जी, मास्क लगाना, दूरी और निरंतर हाथ धोना जी बिल्कुल, 3 चीज है तो कंपलसरी फॉलो करो। सबसे बड़ी चीज भीड़ ना कहीं भी बनाए जी, ना शादी ब्याह ना ये मैया बिल्कुल, लोगों को भी जैन साहब एक तरह से देखा जाए चुनाव की रैलियां ये जी जी, जिम्मेदारी शासन प्रशासन को ऊपर सांसदों विधायकों को सबको दिखाना चाहिए और पढ़े लिखे वर्ग को बिल्कुल सब अब ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है जी। सबसे मेन चीज हर आदमी दिमाग में ये रखे कि हमें ये 3 फार्मूले बनाने हैं, बिल्कुल कहीं भी नहीं बनाने देना है जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमसे चर्चा के लिए। देवदत्त जी आप देवदत्त दुबे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त जी क्या कहेंगे ये जो इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू हुई है और सभी बाजार खोल दिए गए हैं, सभी ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं और संडे को बस अब कोरोना कर्फ्यू रहेगा और रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा लेकिन बाकी दिन में तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दे दी गई है, लेकिन ये छूट अब हमें जो है देवदत्त जी खुशी नहीं देती, एक उत्साह का संचार नहीं करती कि इतने दिन के लॉकडाउन के बाद हम
अनलॉक चीजें हुई, अब हम बाहर निकल सकते हैं। अब ये जो छूट है कहीं ना कहीं हमें डरा ज्यादा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक वो लंबा लॉकडाउन हो गया जी, और दूसरी कहर में जिस तरीके की मौतें हुई हैं जी, उससे आदमी भयभीत हो गया जी। इस बार देखो पहली लहर में सख्ती करना पड़ रही थी, लोगों को घर से ना निकले, पुलिस डंडे मार रही थी जी, पकड़ रही थी, लेकिन दूसरी लहर में तो आदमी स्वतः ही डर के घर के अंदर हो गया, और जो घर के अंदर हुआ उसी से चैन टूटी और उसी से संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई। लेकिन पहली लहर के बाद दूसरी लहर और तीसरी लहर जो आना है, इसमें एक वो समझना पड़ेगा कि जो लापरवाही पहली लहर के बाद हुई जी, वो अब नहीं होना चाहिए जी। हमने दुरुपयोग किया अनलॉक का जी, उसकी दूसरी लहर में सजा भुगती जी, तो सदुपयोग करना है, क्योंकि दुरुपयोगी दुख है और सदुपयोगी सुख है जी। तो अब लंबे समय इतना कितना लॉकडाउन रखेंगे, आखिर आर्थिक गति बिल्कुल बिल्कुल गरीब, तो ये खोलना भी जरूरी था। लेकिन आपको नहीं लगता देवदत्त जी कि अनलॉक किया जा रहा है अच्छी बात है, व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि सबके रोजी रोजगार और जो पेट इससे जुड़े हुए हैं लोगों के, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा नियम, कोई ना कोई ऐसे नियम कायदे बनाने अब बहुत जरूरी है, ताकि लोग, क्योंकि कई बार देखा गया है कि प्रेम से बात करने में बात समझ में नहीं आती, थोड़ा सा यदि कानून का और नियम कायदों का थोड़ा सा भय बना रहे तो लोग नियम कायदों को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो बहुत ज्यादा अनलॉक के दौरान जो है एहतियात बरतने की जरूरत लोगों को भी है, और शासन को भी चाहिए कि लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन वो करा सके, ताकि छूट तो दे दी गई है लेकिन कहीं ना बिल्कुल भी उन्हें लापरवाही बरतने के लिए मतलब खुली छूट ना दे दी जाए, तभी जाकर हम जो तीसरी लहर की बात की जा रही है वो आएगी नहीं, वो हम ही लेके आएंगे अपनी लापरवाही और गलतियों से, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, इसमें शासन प्रशासन क्या करता है, या तो इतने ढीले तार करता है कि स्वर नहीं आते, या इतने कड़े कर देता कि तार ही टूट जाते, या तो एकदम से डंडा को जरूरी आदमी मेडिकल को जा रहा हो, दवाई लेने जा रहा हो, अस्पताल जा रहा, तो उसको डंडे मार के ना जाने दे, या फिर अब लोग आवारा घूम रहे हैं कहीं तालाब किनारे मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करके बैठे हैं या तफरी कर रहे हैं, तो उनको नहीं रोक रहे, तो इसमें थोड़ा सा एक तालमेल बिठाना पड़ेगा, चौराहों पे इस तरह की चेकिंग होगी आप किस काम से कहाँ जा रहे हैं जी, जरूरी काम है आप जाइए, अन्यथा आप तफरी करने मत जाइए कि बेवजह निकले हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है देवदत्त जी कि बिला वजह हमें भी अब घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, यदि कोई काम है दफ्तर जाना है या कोई सामान जरूरी है वो लेकर आना है तो आप निकलिए और वो काम करके फौरन घर वापस लौटिए, ज्यादा तफरी करने में खतरा है। आपके पास लौटूंगा देवदत्त जी, समाज सेवी है दीप्ति सिंगल, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति जी आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, इस कोरोना के लॉकडाउन के बाद अभी अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू हुई है किस तरह से देखती हैं आप इसे? सर अनलॉक होना तो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि लास्ट टू मंथ से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटल, हर तरह से बहुत सफल हो रहे थे, लेकिन कोविड को कहीं ना कहीं रोकथाम करने के लिए बहुत जरूरी था कि हम लॉकडाउन में रहते, सख्ती से उसका पालन करते, और अब ये अनलॉक की प्रक्रिया भी अपने ही आप में बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि कंडीशन अब हम लोगों की ऐसी आ चुकी है कि हम इससे ज्यादा लॉकडाउन नहीं सह सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अब ये सरकार ने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया, अब ये आपकी और हमारी ये जो अंदर पब्लिक की ड्यूटी बनती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल को, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किस तरह से फॉलो करते हैं, और जब जरूरी हो, जैसे कि अभी मुझसे पहले कहा गया कि जितना जरूरी हो उतना हमको घर से बाहर निकलना है, हमें घूमने के लिए मॉल में, थिएटर्स में जबरदस्ती की भीड़ नहीं लगानी है, और सारी की सारी चीजें, सारी दायित्व, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये हम लोगों के ऊपर आ गई है कि अब हम तीसरी लहर को किस तरीके से रोक सकते हैं। दीप्ति जी एक बात और है, हमारे देश में जो भीड़ तंत्र है वो कई बार सारे के लिए किराए पर पानी फेर देता है, और यही डर, यही आशंका जो है सभी को है कि ये अनलॉक हो गया है, आर्थिक गतिविधियां शुरू करना बहुत जरूरी था ताकि लोगों के रोजी रोजगार से जुड़े मसले और जो उनको परेशानियां हो रही हैं वो खत्म हो सके, लेकिन जो भीड़ का जो एक अपना सिस्टम है वो जो है हमें कहीं ना कहीं बहुत डराता है, तो इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ लोगों को समझाना ही काफी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे नियम कायदे बनना चाहिए
कि उसका यदि पालन कोई नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाए या जी होना चाहिए कि लोगों के मन में एक डर हो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल उसी तरह के हैं कि अभी खोल दिया गया है तो देखने में मिल रहा है कि मास्क लोगों के नाक के नीचे है और हम लोग बिल्कुल भी उन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो अभी अप्रैल के महीने में हम लोगों ने देखा उसके बाद तो ये लगता है कि मतलब हम लोगों को बहुत ज्यादा इसके लिए रूल्स को फॉलो करना चाहिए, पर वो चीजें अभी हमारे यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। तो चीजें बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, पनिशेबल होनी चाहिए कि अगर आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आपके लिए क्या रूल्स हैं, क्या आप मतलब बिना पास के आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह के पनिशमेंट होने चाहिए, इनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। कंडीशन बहुत खराब होने के चांसेस हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जी देवधर जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी। एक बात और है, पूरे देश में इस वक्त जो है यही समझाया जा रहा है लोगों को, सरकार भी बहुत कोशिशें कर रही है और कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, कि वैक्सीन लगवाई जाए, वैक्सीन के प्रति जागरूक भी जो है लगातार सरकारें कर रही है। उपलब्धता उसकी कितनी है कितनी नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात और देखने में आ रही है, ग्रामीण अंचलों के अलावा शहरों में भी थोड़ा बहुत ये असर इसका देखने को मिला है। वैक्सीन लगवाने को लेकर एक अजीब और गरीब सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोग जो हैं तैयार नहीं हो रहे वैक्सीन लगाने के लिए, और जब तक वैक्सीनेशन 100% हमारे देश में हो नहीं जाता तब तक हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कोरोना गया, और लिहाजा जब तक कोरोना है हमें बहुत संयम से रहने की जरूरत है और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिनचर्या में शामिल करना पड़ेंगी, तब जाके हम उससे बच तो सकते हैं, लेकिन जो एक बड़ा उपाय वैक्सीनेशन है उसको भी लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है और कई तरह की जो है अफवाहों का बाजार गर्म है खासतौर से ग्रामीण अंचलों में, तो ऐसे में वैक्सीनेशन का जो ये मामला है इसके लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए ताकि लोग खुद आकर वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, समाज को भी सुरक्षित रखें। जी, इस संबंध में बहुत जन जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वैक्सीन को लेकर तरह तरह की उनके मन में धारणाएं बन गई हैं। आप देखिए कि राजनीतिक दल जब मतदान होता है तो एक एक वोट डलवाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, यदि प्रदेश में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जी। और हर गांव में सरकार का नेटवर्क है, कोटवार है, ग्राम पंचायत सचिव है, पटवारी है, इतना नेटवर्क है, सब यदि मिलके एक आंगनबाड़ी है तो मुझे लगता है कि एक एक आदमी को वैक्सीन लगाई जा सकती है। बिल्कुल, आप देखें कि ब्रिटेन में तीसरी लहर शुरू हो चुकी है जी। और खतरनाक तरीके से आ रही है जी। जब ऐसे देशों में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, वैक्सीनेशन भी कमोबेश वहाँ बहुत हो चुका है जी, तो देश में बहुत ही सावधानी, सतर्कता और वैक्सीनेशन की जरूरत है, क्योंकि अब तीसरी लहर का असर बच्चों पे बताया जा रहा है जी। तो बच्चे तो घर के हर घर के दीपक पुष्प क्या कहें वो होते हैं, हर पेरेंट्स को अपनी जान से ज्यादा प्यारी बच्चों की होती है जी। तो मुझे लगता है इस दिशा में अस्पताल ढूंढने की बजाय, ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब ढूंढने की बजाय अभी वैक्सीन ढूंढना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए जी। और उसके लिए प्रयास करना चाहिए, सरकार को इसके लिए स्तर पर प्रयास करना चाहिए, लोग भी समझें, मतलब देवदत्त जी इसकी महत्ता को समझें, उसकी कितनी जरूरी है, कितनी उपयोगी है। और सही बात, तो एक बात और भी आपने जो कही है कि ऑक्सीजन ढूंढने से बेहतर, अस्पताल में बेड ढूंढने से बेहतर है कि हम घरों में ही जो है ज्यादातर रहें और एहतियात बरतें, पूरे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर लें, ताकि उन महंगी दवाओं का और महंगे अस्पतालों की तरफ हमें रुख ना करना पड़े। दीप्ति जी, अनलॉक को लेकर हमें अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, क्या कहेंगी कि जिन हालातों में अनलॉक लॉकडाउन किया गया वो सब जग जाहिर है, लेकिन अब अनलॉक जिस तरह से हो रहा है तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं और किस तरह का माहौल अब अनलॉक के दौरान होना चाहिए और लोगों को कितना समझना चाहिए इसके महत्व को, और खोल तो दिया गया है लेकिन इसको ये ना समझें वो कि तो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी ज्यादा लॉकडाउन में लोग नहीं रह सकते। अगर हम लोअर सेक्टर की बात करें, मिडिल क्लास पीपल की बात करें, प्राइवेट नौकरियां जो लोग कर रहे हैं उनकी बात करें, तो फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि अब हम लोगों को अनलॉक करना तो बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन अब वहाँ फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोगों की है,
और साथ में प्रशासन भी है कि अब किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। 18 प्लस में भी वैक्सीन शुरू हो चुके हैं तो हम लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां, मैं खुद देख रही हूँ मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ, कि लोगों को इतनी भ्रांतियां हैं कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं, उनको बहुत सारी चीजें हैं कि वैक्सीन लगवाने से बीमारी हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है। जी, इस भ्रम को दूर करना भी बहुत जरूरी है, लोगों की जो मन में भ्रांतियां हैं और जिस तरह के अफवाहों का वो शिकार हो रहे हैं, वो उन सब चीजों से दूर रहें। और होना बहुत जरूरी है, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलना बहुत जरूरी है कि बिना वैक्सीनेशन के, और हम जानते हैं कि हमारा भारत देश ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हुआ है, और जब तक हम लोग ये पूरा कवर नहीं करेंगे, जब तक हमारे पूरे ग्रामीण इलाके हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो जाएंगे, हम कोविड पर जीत हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने दीप्ति जी, कि हमें भी बहुत सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, संयम बरतने की जरूरत है, तभी हम इससे जंग जीत पाएंगे। और ये जो लड़ाई है अभी खत्म नहीं हुई है, लंबी चलने वाली है निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरे इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन होना और 100% वैक्सीनेशन होना अभी कहना चाहिए कि अभी डिफिकल्ट टास्क है। और सरकार की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस टास्क को पूरा करें, तो सरकार का जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार भी क्या करेगी और किस तरह से टास्क पूरा होगा। समन्वित प्रयासों से ही जीत हम हासिल कर पाएंगे कोरोना पे, और निश्चित तौर पर अनलॉक हुआ है लेकिन इसका नाजायज फायदा ना उठाएं लोग, और जो छूट मिली है उसका बिल्कुल नाजायज फायदा ना उठा करके उसको एक सबक के तौर पर जो हम लें और अब पूरी तरह से गाइडलाइंस का पालन करें, तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी आपका हमसे चर्चा के लिए। देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। तो पूरे देश में, राज्यों में जहां जहां संक्रमण की रफ्तार कम हुई है कोरोना की, वहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी जो है बाजार खोल दिए गए हैं, हफ्ते में सिर्फ एक दिन संडे के दिन लॉकडाउन रहेगा, लेकिन यह भी है कि रात को 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। धारा 188 लगा दी गई है, 6 से ज्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि अनलॉक के दौरान भी लोग जो है पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सुरक्षित रहें। और लोगों को भी ये समझना होगा कि जो सरकार हमें ऐलान कर रही है, जो हम आह्वान कर रही है या जिस तरह की हमें समझाइश दी जा रही है, उसे हम समझें और नियम कायदों के अनुसार चलते हुए अपनी दिनचर्या में भी थोड़ा बदलाव लाएं, तभी हम जाकर इस कोरोना जैसी महामारी से जंग जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।